बाबूजी अपन रावण जलावे के तैयारी के खातिर अपने सास से बात कर ली नो, हम मिलत छे दशहरा के दिना। तो नहीं कलुआ, जाओ तो पहले रावण का ऑर्डर दे के आओ दुकान में, रावण बनवाओ पहले। ठीक है बाबूजी, बाकी तुम टेंशन ना लो, मजा तो आज रावण बनवा ली हूँ। ठीक है, अच्छा फिर सब लोग अपने अपने घर चलो, मिलते हैं फिर दशहरे के दिन। हाँ भैया, दशहरा के तैयारी पार्ट 3 आया वीडियो, पुलिस वाली बहुत दशहरे की तैयारी शुरू कर दी रही, इसी वजह से बहुत मजा आई तुम्हें वीडियो देख के। रावण खरीदेगा हवे कलुआ, रावण जलावे के खातिर, और रावण के अंदर खूब सारे पड़ाका घुसरवाई सी हुए। वीडियो अब इनसे लाइक कर दिया, कमेंट मानी जय माता दी बोल दी है, नवरात्रा चलती है, हमारे यूट्यूब चैनल अतर्रा वाली चुगली सब्सक्राइब कर ली है। अच्छा लगा देखा पूरा वीडियो। चाची तुम्हें नहीं चलने कहूँ का? अब कहाँ चल दी ने छुछू आए? चाची छुछू आए नहीं, अभी कहाँ जाती हो तुम? तुम्हें नहीं आ पता चाची, तुम्हारा बहु हवे ना पुलिस वाली बहु, वो मीटिंग राखी सी बुलाई सा हवे पुलिस स्टेशन में सब जने का। मो बहु हवे झक, अब बुलाई सी तो मैं चली जाओ, नहीं जा काम हुई, तुम जाओ। सब जने का बुलाई सी चाची, गाँव भरे की मेहरियन का, बूढ़न का, लड़कन का, बिटियन का। काहे पुलिस स्टेशन में भंडारा करवावती का, तो सब जने का बुलाई सी। ए चाची तुम्हें पता नहीं का का बतात रहवा करती हो, एक बार चलिए तो कोनो बात हवे मीटिंग वूटिंग करे का है। बतावती हूँ ना कहे खातिर आप बुलाई थी, दशहरा के तैयारी करे कहा है ना, तो वही के बारे में बात करे कहा है, कहे अपना रावण बनवासी है का? चाची तुम सीध मुंह नहीं बात करा करती हो। हाँ तुम रहन जा, मुआ मुँह टेढ़ हवे, मैं टेढ़े मुँह से बात करी हूँ। आई चाची चलिए तो एक दा देख ले, इतनी काम करती है हमारे गाँव के बहू, तुम्हें तो खुशी होवे चाहिए, तुम्हारा तो बहू आएगा। खुद के का खुशी होवा चाहिए, मो बहू ना मो सास बनने की कोशिश करत रहा करती है, मैं खपरी में चाहती मुझे चिल्लात रहा थी। तो चाची गलत करी है तो सबको चिल्लाई तुम्हें। हाँ मैं तो गलत आ रहा थी हूँ, और सब जने नीक ही हूँ, मैं गलत ही हूँ। अच्छा चाची तुम्हें चले कहो हमारे साथ है कि नहीं चले कहो, हम तुम्हें ले मामा आए रहे हैं। तुम वही की चेला हूँ ना मैं बहू की, तो जा चेला गिरी कर आवा, मैं वही के चेला ना हूँ। अतर्रा वाली चाची तुम फालतू ना बोला कीन। अखा ऐसा है तुम मुझसे कबाइत ना जो आता ठाड़े ठाड़े, जहाँ जाती हुआ जा, जहाँ मरे खो मरा, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे नहीं जा का कहता हूँ। बहु खराब भी हो तुम, यही से तो तुम्हारा बहु तुम्हें हौके आ रहा थी वह भले। देख ऐसा है अपन ज्ञान अपाए लगे राख, मुझे देने की जरूरत नहीं है। चला चाची वही तुम तो उधर गुस्सा हवा करते हो सब जने से। मकई दिनो ना कि मुझे नहीं जा का है, तुम जा जहाँ जाती हुआ चला, मूड खराब करत रहा करती है। देखे बहनी अतर्रा वाली का कौन तन बता कर रही, बढ़िया बहुआ भेटा आनी हुए, यह बहु सुधार पाई अतर्रा वाली का। हाँ बहनी इंतान की बहु सब का मिल जाए ना तो सगली सासें सुधर जाए, बहु भरे के गलती न हुआ होती है, आजकल की सासें कोनो कोनो दुष्ट होती हैं। का करबे बहनी जमाना इंतान क्या हवे। चलो अच्छा हम चली इन्हें हुल किन के जाए दे, जाए चाहे ना जाए। हाँ बहनी चला, तो तुर्रा वाली चाची अरे सब पहुँच गयी हुई है, आप सब लोग आ गए हैं? हाँ बहु सब जने आ गए, कुछ बारी रह गए हो तो थोड़ी देर में आ जाइए, अगर ना ये कोनो काम में फंसे हुई है तो हम बता देबे। सब लोगों को मेरा नमस्ते। नमस्ते भौजी, राम राम। राम राम भौजी, राम राम। तुम दोनों ना सुधर नहीं सकते हो, राम राम। अच्छा अच्छा मैं सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से पूछना चाहती हूँ, इस साल दशहरा किस प्रकार से मनाया जाए? बहु जैसा तुम्हारा मन हो वही तान मना लीन जाए। कहीं जाओ तो डिग्गी उग्गी पिटवा दीन जाए, डीजे उजे बजवा दीन जाए। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन रावण को कहाँ पास जलाएंगे हम? अच्छा यह बात है तो कोनो बात नहीं, गांव में जला लेबे बीच में। हाँ गांव के चौराहा में हर साल रावण जलाओ थी तो वही जला लेबे, का दिक्कत है? नहीं इस बार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं इस बार बड़ा सा रावण बनवाने की सोच रही थी। भौजी कितना बड़ा? मुझे इतना कि तुम्हें इतना? मैंने 50 फीट का रावण सोचा था कि कम से कम 50 फीट का रावण बनवाएंगे फिर उसको जलाएंगे। इतना बड़ा रावण, इसके ससुर 20 जने ठाड़ हुई है तय जाके इतना बड़ा रावण बनी। जी तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबको बुला लेती हूँ, सबसे पूछ लेती हूँ कि रावण कहाँ पास जलाएंगे, बड़ा सा रावण बनवाना इस बार। बहू फिर हमारे गाँव में तो इंसान के जगह नहीं है कि इतना बड़ा रावण जलावन, आगी ना लग जाए गाँव में, अभी फसल भी हवा या समय। हाँ माता जी इसीलिए तो मैंने गाँव में सबको बुलाया है कि सब लोग आ जाएंगे तो सलाह कर लेंगे सब लोग हम। भाजी तुम टेंशन ना करो, मैं खपरी में ठाड़ कर दी हूँ रावण का, जला दी हूँ, मैं लेके भाग गई हूँ। कलुआ पागलों जैसी बात मत किया करो तुम। मजा का करत रहे हो, 50 फीट क्या रावण साध ले मैं भला पाए मुड़े में। बहू बस एक जगह है हमारे गाँव में, जौन ठा हम ठाड़ियन यही ठानी कुल के बड़ा रावण आ जाये, और तो कतो जगह नहीं आए।
हाँ माता जी, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने कैसे मजा आएगा? तयामा का है त्योहार, आए मनावा के हमें तो यही मना ले बे। गाँव के सब लोग पुलिस स्टेशन आएंगे रावण देखने के लिए। पुलिस स्टेशन तो बहुत दूरी पर है भैया, रोज रोज ना आवा हुई हमा। बस बाकी आप सब लोग समझ लीजिए फिर कहाँ पर रावण जलाया जाएगा इस बार, क्योंकि अच्छे से दशहरा मनाना है। और दशहरे के दिन सब लोगों को पान सुपारी खिलाऊंगी मैं यहीं पे पुलिस स्टेशन में। हाँ बहुआ तो सब ठीक है, बस यह दिक्कत है कि इतना बड़ा रावण जलाइबे कहाँ। भाऊजी देखो ऐसा है, रावण चाहे छोटा बूदा हो चाहे बड़ा के हो, मानो पड़ाका कुल्ल के भरे के हो के अंदर बबर के फूटा चाहे परार 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 परार। बाकी कलुआ तुम परेशान ना हो, इस बार दशहरा बहुत अच्छे से मनवाऊंगी मैं। रावण के अंदर 1.5 लाख के पड़ाका घुसेर देखे कि फरफरा जाए सगला। जब जगह न मिली रावण जलावे के तो कहाँ रावण जलाइबे तुम्हें, ये तो पहले बतावा। मुझे पता होता कि कहाँ पे जलाएंगे तो आपको थोड़ा बुलाती, आपसे ही पूछूंगी कहाँ जलाएंगे, कहाँ इतनी जगह। मैं थोड़ा इतना जानती हूँ अभी आपके गांव के बारे में, अभी तो मैं नई नई आई हूँ गांव पर। एक ठा जगह तो हवे बहुत बड़ी जगह हवे, तुम्हारा सास हवे ना अतर्रा वाली, क्या एक ठा खेत खाली पड़ा है, आसो कुछ नहीं बोईसी आए, वही मैं रावण जला ले, बड़ा के खेत है 2 बीघा क्या। अरे माता जी फिर तो पूरा काम बन गया, मैं आज जाती हूँ अपनी मम्मी जी से बात करती हूँ। माँ मम्मी खुद का ना मनिए, बहू खराब भी हवे, अबे हम उन्हें के घर से आहिन मिल के। यह बात तो सही है, अतर्रा वाली जिज्जी खुद का ना मानी, बहू खराब ही वा। अरे बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी मम्मी को मना लूंगी चाहे जैसे मनाऊं। ठीक है पी, अतर्रा वाली के खेते में रावण जलावा जाइए दर की। बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मम्मी जी से बात करती हूँ आज शाम को घर जाकर। आओ जी दशहरा के दिन एक ठका बहू कह दीना भंडारा रख दीना, अब बढ़िया पनीर वनीर बनवाया। ठीक है कलुआ, अगर तुम्हारा पनीर खाने का मन है तो पनीर बनवा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। आओ जी पनीर बनवाई बे, अय्या वाला गाना लगाई बे। कौन सा गाना? देखो दशहरा लगे तो हमारे यहाँ मूर्ति रखी रहती है देवी मैया के, तो यह वाला गाना वा दीना बबर के बजाई बे। आओगे? कौन सा गाना बोल रहे हो? रोजा बे पंडाल सजावाना, मैया बांदा मा दोबारा फिर आवाना। अच्छा, जो हमारे बांदा जिला का गाना है? हाँ भाऊजी, यूट्यूब में बांदा फिल्म से यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ ये वाला गाना, बहुत मस्त गाना हवे। हाँ ये वाला गाना तो बहुत चला हुआ है इस समय हमारे बांदा जिला में, यही वाला गाना बजवाएंगे और पनीर खिलाएंगे सबको। भाऊजी अपन रावण जलावे के तैयारी के खातिर अपने सास से बात कर ली, हम मिला थी दशहरा के दिन। तो नहीं कलुआ, जाओ तो पहले रावण का ऑर्डर दे के आओ दुकान में, रावण बनवाओ पहले। ठीक है भाऊजी, बाकी तुम टेंशन ना लिया, मजा तो आज रावण बनवा ली हूँ। ठीक है, अच्छा फिर सब लोग अपने अपने घर चलो, मिलते हैं फिर दशहरे के दिन। हाओ बहू। भाई अपाई मेहरिया का बताओ जो तो बहू कैसी हुआ, अब कहूँ आडरा मार दीस तुम्हारा पुलिस वाली बहू। देख आसो दशहरा में रावण जलाव के खाते हमारे खेते में जलावा जाए रावण। कहूँ खेते में धान के ऐसी तैसी करवा दे का? वा वाले में नहीं, वा खेते में जोने में कुछ नहीं बुआवाया आसा हूँ। उधर रावण जला दे मुझे खेते में, मैंने खुद का जलावे दे हूँ। तो खाली ना पा रहा वा, नहीं वो तो छेरी बांधे यही मुए खेते में, राख राख हो जाये कोयला कोयला हो जाये मुआ खेत, अपड़ाका फूटी है रावण के अंदर तो गना लागी मुआ खेत, मैंने रावण जलाव दे हूँ पाए खेते में। आई मान जाना दिमाग खराब कर, मैं पुलिस वाले बहू का बुलाऊ तो वहाँ सुधारे। मैं तुम्हारे पुलिस वाली बहू का डरात नहीं हूँ, बुला ले जाये बुलाओ तो। अब बहू मुझसे नौटंकी नहीं, मैं पकड़ के हिंटर रावण जलावे लागे हूँ, मना ली ने तुम दशहरा। बहू खराब भाव के चली गए भैया, दशहरा के तैयारी पार्ट 4 देखे को तो कमेंट कर दिया तुम जल्दी से। अब मो बहू सुधारी यही, जय पुलिस वाली बहू यही बताई ना ढंग से, तैयार तुरते गन्ने दिमान दे पार्ट 4 में आगे की कहानी दिखाई बे। ठीक है भैया, मैं जा तो अगले पार्ट में मिल बे।